सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई वन मोर व्लॉग। सो आज मैं आया हूँ गुलमी, ये आप देख सकते हैं गुलमी आया हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलमी का रोड, देखो कैसा है यहाँ पर गुलमी का रोड। तो अभी आपको मैं कुछ माउंटेन के ऊपर, यहाँ पर एक सीन है, वो सीन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसा है। उधर से ना बट्टल का आधा सीन दिख रहा है, पूरे मस्जिद के मीनारे से भी दिख रहे हैं, तो चलो वो सब देखते हैं कैसा है। तो आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ। ऊपर मैं आपको इधर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर मतलब भट्टल का आधा सीन दिख रहा है। तो चलो पहले ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर गली देखो और ये रोड देखो भाई साहब कैसा है। देखो नीचे देखो एक बार कैसा लग रहा है, और ऊपर देखो कैसा है, कितनी ऊपर आ गए हम। वो यहाँ से देखो कैसा लग रहा है, ऐसे देखो कैसा लग रहा है ऐसे। और यहाँ पर देखो ऑफ रोडिंग का, यहाँ पर से सीन देखो गाइस कैसा है। अगर आप केयरफुली सुनेंगे ना तो यहाँ आवाज कैसा आएगा। यहाँ पर ये सीन देखो गाइस कैसा लग रहा है, पूरा घर इधर उधर और इधर मस्जिद के मीनारे। इधर से आपको दिख रहा होगा मस्जिद के मीनारे, इधर देखो इधर सामने की तरफ ना, उधर जूम करके दिखाता हूँ, अगर दिखा तो दिखाओ। उधर थोड़े थोड़े मस्जिद के मीनारे दिख रहे हैं, पर ये देखो कैसा है। आई थिंक कैमरे से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है जितना मैं अपने रियल आंखों से देख रहा हूँ ना, उतना ऐसे लग रहा है जैसे एकदम पहाड़ में आ गए हूँ मैं, सब भी भटकल देख रहा हूँ इधर से, ऐसा लग रहा है इधर से। ये गुड्डा देखो गाइस, आधा गुड्डा तोड़े हुए गुड्डा, मतलब आधा माउंटेन तोड़े हुए माउंटेन देखो गाइस कैसा, वहाँ पर वो पूरा आधा तोड़े हुए, मतलब इधर जो पार्ट है ना इधर पूरा आधा तोड़े हुए है, और ऊपर सीन देखो। यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहे हैं अभी हम, नीचे की तरफ देखो यहाँ पर कैसा है, कैसा सीन है देखो गाइस यहाँ पर। और गली गली देखो कैसी है यहाँ पर, गली गली कैसी डाउन हो रखी है पूरी गली। और वहाँ पर सामने की तरफ रोड आ चुका है, तो अभी चलो रोड पकड़ते हैं और मस्जिद दिखाता हूँ मैं आपको पहले। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर ये लक्की फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको उसका नाम दिख रहा नहीं होगा, ये पर यहाँ देखो नाम है यहाँ पर इसका, लक्की फैक्ट्री है ये। और यहाँ पर शहियों मैगी मतलब जो शहियों नूडल्स रहते हैं उसके पूरे फैक्ट्री है ये। और एक चीज़ देखो गाइस, ये रोड है ना अभी अभी इन्होंने बनाया है यहाँ पर, ये मस्जिद देखो गाइस यहाँ पर से कैसे लग रही है। पहले मैं यहाँ से दिखाऊँगा, उसके बाद अंदर से दिखाऊँगा मैं आपको। यहाँ पर से देखो गाइस, ये माउंटेन जो है पूरा आधा कट करके पूरा रखे हुए हैं, यहाँ पर देखो कैसा कट करके रखे हुए हैं। सामने की तरफ पूरा जंगल जंगल है, इसके आगे पूरा जंगल जंगल है। यहाँ पर ये ग्राउंड देखो कैसा है, मतलब ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड टाइप में खुला एरिया। और यहाँ पर देखो कैसे यहाँ पर मतलब सॉरी, यहाँ पर जो है वजू का एरिया है, यहाँ पर देखो वजू का एरिया, यहाँ पर पूरा बैठ के, और यहाँ पर वाटर कूलर, और यहाँ पर वॉशरूम है, एंड ये मेन गेट अंदर आने का। यहाँ पर भी गेट है सीधा यहाँ पर वजू खाने में आने का, और यहाँ पर भी एक मेन गेट है यहाँ से सीधा अंदर जाने का नमाज़ पढ़ने का। और यहाँ पर एरिया देखो एक कैसा है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का, और ऊपर से भी फ़ैन है, और वहाँ पर घड़ी रखी हुई है। तो चलो अंदर दिखाता हूँ मैं आपको, अंदर भी आप देख सकते हैं देखो यहाँ पर दो एसी उन्होंने रखे हुए हैं, और यहाँ पर चारों तरफ ऊपर फ़ैन है, और यहाँ पर मैट देखो कैसा है। क्या अभी वहाँ पे नमाज़ पढ़ते इसके अंदर हर एक जगह ये बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी मस्जिद में यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, अभी इसमें यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत दूर पढ़ते हैं, बहुत दूर चार्ली में, वहाँ में वहाँ पढ़ते हैं वहाँ, इसको बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखो कैसा, यहाँ पर ऊपर भी फैन है, और यहाँ पर इमाम पढ़ाते हैं नमाज, और यहाँ पर माइक देख सकते हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, इधर से ऑन करना पड़ेगा, इधर से ऑन करना पड़ेगा, तभी आई थिंक कुछ होगा। एंड उधर और एक जगह है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टोर रूम। हाँ, ये स्टोर रूम, और इसे स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, किचन भी बोल सकते हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं, स्टोर रूम किचन कुछ भी बोल सकते हैं। और वहाँ पर इन्वर्टर रखा हुआ है, और यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए ये मैट से भी यहाँ पर अभी तक बिछा रखे हुए हैं,
और यहाँ पर देखो वेजिटेबल मत सॉरी फ्रूट्स देखो यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं ऐसे खुले और यहाँ पर प्लेट्स और यहाँ पर से सीन देखो कैसा लग रहा है विंडो से सीन देखो आधा और यहाँ पर से भी एक सीन है यहाँ देखो सीन कैसा लग रहा है और यहाँ पर आधा टूटा हुआ घड़ी घड़ी टाइम ऐसा घूमना है यहाँ पर भी एक कूलर देखो वहाँ पर एक घड़ी तो जो ये मस्जिद है ये मस्जिद इतना ही है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मस्जिद देखो कैसा है सो गाइस हमने मतलब हमने अभी तक नमाज भी नहीं पढ़ा था 4 बजे की तो अभी वो नमाज पढ़ रहे हैं हम तो चलो इधर ही बैठ के वजू करते हैं जल्दी से सो गाइस अभी मैंने यहाँ पर वजू भी कर लिया है और मुस्तफ़ा यहाँ पर वजू कर रहा है आप देख सकते हैं उसका भी वजू करके हो चुका है तो अभी चलो नमाज पढ़ते हैं जाके मैंने चश्मा भी काट लिया था मुस्तफ़ा तू पढ़ा आज मैं पढ़ा तू यहाँ पढ़ा तू यहाँ पढ़ा यहाँ पढ़ा टोपी कहाँ है यहाँ मुझे चश्मा नहीं सो क्या भी दिखता भाई नहीं अगर मेरे आंखी में चश्मा ना हो ना कुछ भी नहीं दिखता अभी ठीक से दिख रहा है फ़ोन यहाँ पर रखते हैं अभी उल्टा करके नमाज पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं सॉरी पढ़ाते हैं क्या पढ़ाऊँ जागी जा अरे वो इमाम का खाली हो तू जाने का अलाउड नहीं हुआ नमाज पढ़ सो गए सभी नमाज पढ़ेंगे तो गोप्रो रखता हूँ फैन सभी बंद करो चलेंगे सो गाइस अभी मुस्तफ़ा निकल रहा है बाहर हमारी चप्पल है यहाँ पर अरे रुक क्या अभी छोड़ा क्या देखता हूँ नहीं फ़ोन एक ही चीज़ फ़ोन एक ही रखा था वहाँ पर वो मैंने ले लिया बैटरी भी है साथ में और कवर भी है तो चलो चलते हैं अभी ताला लग रहा है मुस्तफ़ा ताला लगा को जल्दी आ बोलने से पहले इसका काम हो जा रहा है आज ये तो कभी भी लेट करता है आज जल्दी हो रहा है इसका काम सो गाइस अभी इस मस्जिद को हम कह रहे हैं बाय तो अभी चलो चलते हैं एक बार बाहर से मैंने आपको दिखा दिया एक बार लुक उसका मीनारा है वहाँ पर तो चलो चलते हैं अभी सो गाइस आप देख सकते हैं मस्जिद यहाँ पर से देखो बाहर से कैसा है तो चलो अभी अंदर जाके आपको मैं यहाँ पर पूरा दिखाता हूँ सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है यहाँ पर पार्किंग का ग्राउंड नीचे की तरफ और यहाँ पर ऊपर पार्किंग के ग्राउंड और वहाँ पर से आने का रास्ता ऊपर मुस्तफ़ा भाग गया सो गाइस ये है ऊपर जाने का रास्ता अभी चलो ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ सो गाइस यहाँ पर से सीढ़ी देखो बीच में कैसी है तो आप देख सकते हैं गाइस ये है यहाँ पर का एंट्रेंस तो अभी चलो अंदर चल के दिखाता हूँ आपको और यहाँ पर से सीन देखो यहाँ पर से विंडो और यहाँ पर से ऐसा सीन वहाँ से भी दिखाता हूँ आपको यहाँ से भी सीन देखो कैसा लग रहा है वहाँ से सामने से पूरा माउंटेन दिख रहा है देखो पूरा माउंटेन सामने से दिख रहा है और ये विंडो टाइप में यहाँ पर खुला देखो कैसा है सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वजू का एरिया देखो यहाँ पर कैसा है यहाँ से भी और यहाँ से भी देखो यहाँ से भी वजू का एरिया यहाँ पर भी बैठ सकते हैं यहाँ पर भी लाइन बाय लाइन वहाँ भी लाइन बाय लाइन और यहाँ पर से पीछे का रास्ता देखो यहाँ पर पीछे का रास्ता कैसा है यहाँ भी चप्पल रखने का एरिया और यहाँ से भी नमाज़ पढ़ने लोग यहाँ पर से भी आ सकते हैं लाइट वजू के पास वजू करके सीधा अंदर जाते हैं तो अभी मेन एरिया दिखाता हूँ मैं आपको चलो और गाइस यहाँ पर अंदर से एरिया देखो यहाँ पर कैसा है नमाज पढ़ने का मेन एरिया है यहाँ पर देखो वहाँ पर कुरान की तिलावत सभी कर रहे हैं और वहाँ पर सभी बैठ के दुआएं सभी कर रहे हैं और यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर है मेन एरिया मतलब ये इमाम पढ़ाने का जगह और यहाँ पर मस्जिद देखो यहाँ पर कैसा है इमाम पढ़ाने का और यहाँ पर टोपी देखो कितने रास रखे गए और ये मस्जिद का डब्बा ये एरिया ना बहुत ही बड़ा है नमाज पढ़ाने का देखो एरिया बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर सेकंड फ्लोर भी है वो लॉक है वहाँ देखो वहाँ पर से जाने का लेकिन वहाँ पर लॉक है और यहाँ पर देखो नीचे जाने की सीढ़ी देखो यहाँ पर कैसी है
यहाँ पर भी वजू करने का एरिया, देखो यहाँ पर वजू करने का एरिया और वहाँ से वॉशरूम है। और यहाँ पर सामने जो है कुरान पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी है यहाँ पर रात के टाइम, अभी फजर के टाइम पर पढ़ा रहे हैं रमज़ान के टाइम। और सामने देखो कुरान पढ़ रहे हैं वो अंकल। और यहाँ पर अभी नमाज़ पढ़ने का एरिया देखो यहाँ पर, एंड वो सीढ़ियाँ ऊपर जाने की वहाँ पर अभी लॉक है, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखा देता। और यहाँ से देखो एक गुंबद, ये गुंबद क्या एरिया है यहाँ पर। और यहाँ पर से ये देखो कैसा है, यहाँ पर से जो है सामने की सीन देखो कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है देखो, पूरा माउंटेन उधर से उधर तक। नानी के घर में गया था, नानी को मिला, सालिम साहब को भी सबको मिला घर में। तो अभी यहाँ पर देखो मामू की नई कार और वहाँ पर पुरानी कार देखो, तो आप देख सकते हैं गाइस ये यहाँ पर का ब्रिज देखो, यहाँ पर का ब्रिज गुलमी का ब्रिज देख सकते हैं आप। और नीचे वहाँ पर है रेलवे ट्रैक, ये देखो गाइस बंदर और जाने का रास्ता है यहाँ पर, ये नीचे साइड। और यहाँ पर सामने की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ जाने का बंदर हो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मखदून कॉलोनी, ये देख सकते हैं आप मखदून कॉलोनी कैसा है यहाँ पर रोड। यहाँ पर भी देखो बीच में पूरा ये करके रखे हुए, और वहाँ पर देखो क्रिकेट खेला जा रहा है वहाँ पर ग्राउंड में। और गाइस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़े थोड़े दुकानें हैं, यहाँ खाने के पीने के चिप्स के जूस के आइसक्रीम के सभी दुकान है यहाँ पर मखदून कॉलोनी में। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप गाइस मखदून कॉलोनी में, यहाँ पर सामने की तरफ मस्जिद है, वहाँ पर आप मीनारा देख सकते हैं। और यहाँ पर सामने के सब सामने सभी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कितना शॉप सभी है यहाँ पर। और यहाँ पर सामने की तरफ देखो ये मस्जिद, देखो ये मस्जिद भी आपको मैं दिखाऊँगा एक दिन नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी यहाँ पर गली के अंदर जा रहा हूँ, गली गली में। और यहाँ पर आजू बाजू सभी देखो कितने सारे घर सभी हैं यहाँ पर, पता नहीं गई से मुस्तफ़ा गली गली से होते हुए निकाल रहा है हमें अभी यहाँ पर, और एक गली में लेके आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेन रोड है, मेन रोड कौन सा मेन रोड दिखते हैं सामने दो। हाँ तो वहाँ पर सामने भजे सभी समोसे सभी बेच रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो बकरियाँ सभी लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं देखो भजे समोसे यहाँ पर सभी बेच रहे हैं, क्या क्या सभी सामान सभी बेच रहे हैं देखो। बन के क्यों करते हो, यहाँ पर देखो समोसे और सभी क्या 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 सभी रखे हुए हैं यहाँ पूजा करने के लिए। अभी बोलते चल किया, तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर गली देखो कैसा है। अभी सीधा चल के आपको मखदून कॉलोनी दिखाता हूँ मैं आपको, ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने एक कब्रिस्तान, मखदून कॉलोनी के पास कब्रिस्तान देखो कैसा है, कब्रिस्तान देख सकते हैं आप देखो कैसा है यहाँ पर गली में। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं कैसा है देखो कब्रिस्तान। तो चलो अभी सीधा चलते हैं बस। अरे घर देखो कितना नीचे है, और आप गली से फिर से होते हुए निकल रहे हैं, और वहाँ पर देखो टावर। तू चलने का ही तो बराबर चल रहे है, सामने देखो टावर कैसा है देखो ये टावर, फोन सेलफोन्स का टावर में। और यहाँ पर नीचे की तरफ ये लाया है अभी हमें, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है ये भाई साहब। ये ट्री देखो कैसा है, और यहाँ पर गली गली में देखो घर है सभी। और सामने की तरफ अभी हाईवे आ गया है, तो अभी हाईवे दिखाता हूँ आपको मैं। और यहाँ पर और एक मस्जिद आई थी ये ऊपर की तरफ, हाँ ये ऊपर की तरफ मस्जिद है, मस्जिद देखो मस्जिद ना मैं मस्जिद देखो उसके दो मीनारे ऊपर। और ये हाईवे देखो यहाँ पर, तो यहाँ से ऊपर लेते हैं अभी खाएंगे आज गाइस। यहाँ पर देखो पानी कितना भरा हुआ है, यहाँ पर देखो उतना नहीं है फिर भी थोड़ा भरा हुआ है, थोड़ा तो दिखाना देखते हैं। मार्केट ये सभी मार्केट में से आपको आज मैं दिखाने लगा था कुछ की शू मार्केट, तो चलो अंदर चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा है ये। और ये कोसकी जो है ना एकदम मारीकट्टा जो मंदिर है ना वो मंदिर के सामने ही है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑटो स्टैंड भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो स्टैंड, तो चलो अंदर चल के मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसा क्या है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर देखो कितना सारा शूज सभी यहाँ पर है, चप्पल सैंडल सभी देखो
और इसके आगे आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंडल्स जो है पूरे शाइनिंग शाइनिंग हो रहे हैं, पूरा डायमंड्स लग के ऐसा वैसा सभी। एंड यहाँ पर आप देखते हैं शू सभी है यहाँ पर, छोटे बच्चों के शू यहाँ पर अलग अलग डिजाइन में अलग अलग कलर में। और यहाँ आपको हर एक वेराइटीज के शू और सैंडल और चप्पल हर एक टाइप के आपको देखने मिलेंगे। और ये जो कोशकी शॉप है ये अंदर से आप देख सकते हैं, इसमें पीओपी एसी सब कुछ है। और यहाँ पर भी कितने लोग आते हैं खरीदने के लिए। ऊपर पीओपी देखो कैसा है, और एसी भी है यहाँ। और यहाँ पर का काउंटर देखो, काउंटर और काउंटर के ठीक साइड में यहाँ पर भी डिजाइन के लिए बाहर से दिखने के लिए यहाँ पर उन्होंने सैंडल से भी रखे हुए सजा के। और यहाँ पर देखो यहाँ पर पर्स भी देखो कैसे कैसे रखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर। तो गाइस अगर हो सका तो ना, मैं अब शू बन रहा हूँ इसके लिए, अगर हो सका तो ना आगे एक 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 दुकाने के भी आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर आज भीड़ देखो कितनी लगी हुई है, टोपी अत्तर सभी यहाँ पर देखो कैसे बेच रहे हैं, सेंट सभी। और यहाँ पर बाहर सभी अभी ये शुरू है इसके लिए, यहाँ पर सामान सभी कितने रात से भी रखे हुए हैं देखो। और यहाँ पर स्वीट को यहाँ पर सामान सभी देखो कितने रात से। और यहाँ पर आप देखो दुबई में यहाँ पर देखो क्या क्या है, यहाँ पर खाने पीने के सामान सभी बाहर रखे हुए हैं। और यहाँ पर शाम के टाइम देखो यहाँ पर कितना भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पर कितने रश लोग शॉपिंग करने के लिए आए रमज़ान के लिए। अब यहाँ पर मार्केट भी लगने वाला है जल्द से जल्द, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भीड़ है अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड कैफे में यहाँ पर देखो ऑफर से भी रखे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें रखे हुए हैं यहाँ पर, कपड़े और चोटी रबर क्लिप, और यहाँ पर समथिंग कम में खाने की चीज़ें, और यहाँ पर जूस की बॉटल, यहाँ पर देखो चप्पल, यहाँ पर खजूर और कपड़े सभी यहाँ पर बेच रहे हैं। यहाँ पर देखो कितने सारे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े सभी, और यहाँ पर भी देखो चप्पल बेच रहे हैं। और यहाँ पर बलून सभी भर भर के हवा डाल के सभी बेच रहे हैं देखो यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मछली यहाँ पर है, और यहाँ पर देखो 30 रुपये एक मछली। और यहाँ पर भी देखो थोड़े से खिलौने के सामान सभी। और यहाँ पर देख सकते हैं हम स्वीट कॉर्न देखो यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी देखो सामने की तरफ यहाँ पर देखो कितने सारे शॉप सभी यहाँ पर है, पूरे ऑफर ऑफर में दे रहे हैं चप्पल सभी। यहाँ पर पूरे चप्पल के ही दुकानें हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस देखो यहाँ पर भी कपड़े की दुकान, यहाँ पर भी देखो कितने सारे कपड़े पूरे ऑफर ऑफर में। यहाँ पर भी देखो बाहर से भी कपड़े सभी रखे हुए हैं बेचने के लिए ऑफर में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कितने रास कपड़े सभी कलरिंग कलर रखे हुए हैं यहाँ पर देखो। और यहाँ पर सामने की तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी देखो कितने सारे काता बर्तन सभी झाड़ू कोंगे सभी यहाँ पर रखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं गाइस ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो इनसे मिलकर अच्छा लगा तो हाथ मिलाते हैं इनको, थैंक यू। तो अभी ये जा चुके हैं अभी, अरे मुस्तफ़ा। तो गाइस अगर हो सका तो अगले ब्लॉग में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगा, आज बहुत बस हो गया है, थकान सी हो रही है, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घर को।